हेलो एवरीवन, साले शिक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीआरबी यूएनएल जेई से रिलेटेड जो लिंक एक्टिव नहीं हो रहा है उस पर बात करेंगे और आपको एकदम जेन्युइन नॉलेज आपको देंगे यहां पर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीधा मुद्दे पे आते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर यूपीआरबी यूएनएल जो जेई का एग्जाम के लिए फॉर्म निकला था वह फॉर्म एक्टिव कब होगा। मतलब ऑलरेडी 10 अप्रैल को ही उसको एक्टिव होने के लिए डेट रखा गया था लेकिन अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। तो हमने देखा कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो हमने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं और सभी लोगों का डाउट क्लियर करते हैं। तो इसके लिए हमने पहले पता लगाया, फाइंड आउट किया कि एक्चुअली इसके पीछे रीजन क्या है, अभी तक एक्टिव क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, हमारे रिलेटिव में एक लोग हैं जो कि सीनियर पोस्ट पे हैं आपके यूपीपीसीएल, मतलब एक तरह से आप समझिए कि वो आयोग से जुड़े हुए हैं। तो उनसे हमने बात की कि देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसी बात है कि इस समय का जो कंडीशन है, उन्होंने साफ कहा कि अभी इसलिए उसको रोक के रखा गया है कि पैंडेमिक सिचुएशन होने की वजह से अभी अगर हम उसको एक्टिव कर देते हैं तो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसका जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो प्रेशर आएगा कि अब एग्जाम करवाइए। तो अभी सिचुएशन वैसी नहीं है, अभी ऑलरेडी उनके ऊपर लोड पड़ा हुआ है, एग्जाम उनके बाकी हैं जो कि अप्रैल महीने में होने वाले थे, उसका भी कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, मतलब एडमिट कार्ड वगैरह अभी उसका भी अपलोड नहीं हुआ। ऑलरेडी एक लोड है, उसी को ना पोस्टपोन करना पड़ जाए, ऊपर से दूसरा एक लोड हम लोग अभी नहीं चाहते हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और दूसरा रीजन आपको एक चीज़ और बता दें कि हमने अलग से पता लगाया तो पता चला है कि जो बीटेक के लोग हैं, जो बीटेक होल्डर हैं, जो बीटेक के स्टूडेंट हैं, वह भी चाहते हैं कि इसमें उनको एलिजिबल किया जाए, इस एग्जाम में वो चाहते हैं कि उनको एलिजिबल किया जाए। इसी वजह से थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि वो चाहते हैं कि एलिजिबल किया जाए और लोग चाहते हैं कि एलिजिबल ना हो, तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। उनकी जो ये डिमांड है उसको अभी सुलझाया नहीं गया है तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। बीच में केस आया ही था, आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में लोगों ने कंप्लेन किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि बीटेक होल्डर भी डिप्लोमा के लिए एलिजिबल रहेंगे, मतलब जेई के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा अफरा तफरी मची है कि वो चाहते हैं कि यहाँ एलिजिबल कर दिया जाए, लेकिन अभी डिप्लोमा वालों का डिमांड है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी में थोड़ा सा केस फंसा हुआ, मतलब थोड़ी सी जो आयोग है उसको अभी प्रॉब्लम हो रही है, लिंक एक्टिव नहीं हो रहा है। तो मतलब दो रीजन है, फर्स्ट रीजन तो है कि आपका पैंडेमिक, सेकेंड रीजन है कि आपका ये जो डिमांड हो रहा है बीटेक होल्डर के वजह के तरफ से, वह भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो इसी वजह से अभी तो लिंक एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन आपको हम बता दें कि 20 कम से कम अप्रैल में तो अब नहीं ही होगा, अप्रैल के लास्ट तक जाते जाते हो सकता है। अगर कंडीशन कोरोना वाली जो पैंडेमिक वाली जो कंडीशन है वो सुधर जाएगी तो शायद अप्रैल के लास्ट तक आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा। यह एकदम जेन्युइन आपको हम नॉलेज दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम तुक्का मार रहे हैं, आपको हम पता करने के बाद बता रहे हैं कि लिंक जो है कि अप्रैल के लास्ट तक हो सकता है कि एक्टिव हो जाए, बट अभी तो एक्टिव होना इम्पॉसिबल है। तो यही सब जानकारी थी आपको जो हमने बताया। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि ये जो लिंक है कब एक्टिव होगा। और गाइस रही थंबनेल्स की बात, थंबनेल पर हमने सीधा लिखा है कि लिंक हुआ एक्टिव। तो आप भी जानते हैं कि जब न्यू चैनल होता है थोड़ा सा अट्रैक्शन खींचने के लिए ऐसा करना होता है। और एक चीज़ और बता दें कि अगर आपको थोड़ा सा और लगा हो तो उसके लिए भाई सॉरी, लेकिन आपको भी पता होगा कि जब न्यू चैनल है अभी तो थोड़ा सा अट्रैक्शन खींचने के लिए ऐसा करना होता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है डायरेक्ट। और लेकिन यहाँ पर जो आपको हम नॉलेज दे रहे हैं बिल्कुल ही जेन्युइन है, उसमें 1% का भी हमने कुछ आपके साथ धोखाधड़ी नहीं की है। और गाइस अगर आप जेई से रिलेटेड हैं, मतलब आप जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं यूपीपीसीएल और यूपीआरबी यूएनएल का, तो आपको पता ही है कि अभी एग्जाम होने में कम से कम 2.5-3 महीने का समय है दोनों एग्जाम होने में, पीसीएल और यूपीआरबी दोनों का, क्योंकि इसका तो अभी फॉर्म ही नहीं फिलअप किया गया तो एग्जाम का तो अब पता है नहीं, और यूपीपीसीएल का एग्जाम अभी लेट होगा कम से कम 2.5-3 महीने। तो हम यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर, स्काडा और पीएलसी, स्टार्टिंग में हम पीएलसी पढ़ाएंगे आपको और डेमो क्लास 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। हमारे पास 6 सालों का, 5 से 6 सालों का अनुभव है और हम ऑलरेडी फैकल्टी जुड़े हुए हैं, बहुत दिनों से टीच कर रहे हैं। तो आपको हम यहाँ पर बहुत ही लो लेवल से, एकदम जमीनी लेवल से जुड़ा हुआ आपको हम मतलब फील करवा देंगे कि पीएलसी होता क्या है। एक्चुअली आज तक हमने सुना ही नहीं किसी ने कहा हो कि पीएलसी बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर गाइस जो हम आपको टीच करेंगे आप देखिएगा, आप खुद कमेंट करेंगे कि सर डेमो क्लास के बाद आप इसको रेगुलर करिए और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करिए, इसको पूरा टीच करिए, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल लो लेवल से आपको, जैसे आप एप्पल बोलते हैं ना दिमाग में आता है एप्पल, उसी तरह पीएलसी बोलने पर आपके दिमाग में सारा फिगर ड्रा हो जाएगा, आप समझ जाएंगे वो यही पीएलसी है। तो आप जरूर इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो कहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप इस वीडियो पर जरूर बने रहिएगा गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा बेस जो हमारा है ना सब्सक्राइबर बेस थोड़ा सा बढ़ जाए, तो अभी जो थंबनेल हम यूज कर रहे हैं ना वो अभी यूज करना बंद कर देंगे, तो क्योंकि हमको तो पता रहेगा कि हमारे जो इतने सब्सक्राइबर हैं तो
जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो ऑलरेडी रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब सब्सक्राइबर बेस ही कम है, तो थोड़ा सा हमको ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ रही है ना चाहते हुए भी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो चलिए वीडियो कहीं समाप्त करते हैं, और आप जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू टू सी दिस वीडियो।